Hello students, how are you? Fine? Okay, good. I am also fine. Okay students, so chapter kaun sa hai? 13. Name Fills and Fences. Okay students, so ab hum yahan se activity start karenge. Okay students, so open your textbook. Okay, let's start. Look at the table in your classroom. Guys, how many mathematics books you can place on it? ये जो अपने क्लास में टेबल दी गई है उसे देखकर आपको बतानी है कि उस पर आप कितनी मैथ्स की बुक रख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो रिमेम्बर, आपको याद रखना है कि द बुक सॉल्स नॉट ओवरलोप, एक के ऊपर एक दो बुक नहीं आनी चाहिए. ओके, सो सिंगल होनी चाहिए, यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं आना चाहिए. इस तरह डू नॉट लीव गैप बिटवीन द बुक्स, यानी यहाँ पे जो बुक्स बताई गई है उस बुक पे बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए. राइट योर गाइस हियर, सो आप यहाँ पे कितनी बुक रख सकते हो? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन ये दोनों इन टेबल पे कंफर्टेबल नहीं है. ओके, सो क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6. ओके, सो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 6 बुक. ओके स्टूडेंट्स, सो ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है. ओके, वन करके. सो नेक्स्ट देखेंगे. नाउ चेक इफ योर गाइज वॉज राइट, यानी कि अब आगे हम अनुमान करेंगे, यानी गेस करेंगे ये सही राइट है या रॉन्ग. हाउ मेनी बुक्स कॉल्ड यू प्लेस, यानी यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे हम कितने पुस्तक कितने टेक्स्ट बुक रख सकते हैं? बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ यहाँ पे कितने बुक्स रख सकते हो? 4 या 5? आंसर 4. ओके गुड, सो हम यहाँ पे 4 बुक ही रख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4. ओके, सो आंसर एन रख सकते हैं, लेकिन किस तरह? देखो 1 2 3 4. ओके, उसी तरह. सो आंसर क्या आएगा? देखो मैं आपको बता रही हूँ, देख लेना हो ठीक से, वरना अपनी बुक में नहीं आएगा. सो आप बुक में लिखोगे नहीं. द डिफरेंट इज नो 2 बुक, सॉरी, ये नहीं 3 वाला ये. सो आंसर क्या आएगा? नो. सो ये आप रख सकते हो? नो. ओके, माय गाइस वाज नॉट राइट, आई कैन प्लेस 5 बुक. 5 बुक कैसे आ सकती है? आओ, मैंने यहाँ पे सच्ची में गलत लिखकर यहाँ पे क्या आएगा? 4 आंसर आएगा, 4 बुक ऑन द टेबल. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने झूठ लिख लिया आपके लिए कि आपको मैं बता सकूं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट. नाउ लुक फॉर अनदर टेबल, अब हम नेक्स्ट टेबल को देखना है. सो आंसर बताना है आपको. सी इज दिस टेबल बिगर देन द लास्ट टेबल, यानी येस और नो. सो यहाँ पे क्या बताया है? येस और नो, बताओ. येस, ओके गुड. चलो ये 1 2 एंड ये 3. ओके, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है. नेक्स्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है 1 2 एंड 3. ओके, यहाँ पे व्हाट इज देयर नेक्स्ट? ये ए वाला आंसर क्या आएगा? यस. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेक अ गाइस हाउ मेनी मैथमेटिक्स बुक्स कैन बी किप्ड ऑन दिस टेबल, हम टेबल पे मैथ्स की बुक टेक्स्ट बुक यानी कितनी रख सकते हैं? बताओ. सो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से नीचे डाल देंगे 9 एंड 10. सो आंसर क्या आएगा? 10 बुक्स. ओके, सो नेक्स्ट चेक इफ योर गेस वॉज करेक्ट, ये आपका आंसर राइट है या रॉन्ग? चलो ये हम देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर क्या? हाउ मेनी मैथमेटिक्स बुक्स कॉल्ड यू कीप, सो कितने क्या बताया? सो आप यहाँ पे कितने टेक्स्ट मैथमेटिक्स की बुक आप रख सकते हो? बताओ आंसर क्या आएगा? 10. ओके गुड, सो आंसर आएगा येस और नो. येस, हम यहाँ पे
10 बुक रख सकते हैं। ओके सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा देखो, यस माय गेस वाज करेक्ट, आई कैन प्लेस 10 मैजिक बुक्स ऑन इट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द टू टेबल्स इन ब्लैंक्स बुक्स। सो यहाँ पे क्या बताया है कि जो दोनों टेबल के ईच की बीच में ये जो हम टेक्स्ट बुक रखेंगे तो उसके बीच में उनको यानी डिफरेंस की बिटवीन जो टेबल का तफावत क्या आएगा, यानी उसे बोलते गुजराती में। ओके सो बताओ आंसर क्या आएगा, 6 बुक्स। ओके गुड, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे कैसे है, जैसे कि 4 बुक कैन बी प्लेस ऑन द फर्स्ट टेबल एंड सेकंड, फर्स्ट में कितनी थी 4 एंड सेकंड में 10। ओके सो द सेकंड टेबल में 100 हम प्लस करेंगे, जैसे कि 100 द डिफरेंट 1 टेबल में 10 बुक्स एंड सेकंड में 4 इज इक्वल माइनस 10 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 6 बुक। ओके सो 1 टेबल पे कितनी बुक्स आ सकती है डिफरेंट तरीके से हम बता सकते, तो 1 टेबल पे 6 बुक एंड सेकंड टेबल में भी 6 बुक। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मैथमेटिक्स बुक्स कैन बी कवर्ड विथ ऑन सीट ऑफ न्यूज़पेपर। सो अब यहाँ पे क्या बताया कि अब हमें न्यूज़पेपर के मैथमेटिक्स की बुक है जो उसे उस पर हमें क्या चढ़ाना है, कवर चढ़ाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप कैसे चढ़ाएंगे ये हमें बताना है, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। कवर चढ़ाना है लेकिन कितने पेपर है यहाँ पे न्यूज़पेपर, 1 न्यूज़पेपर। ओके सो 1 न्यूज़पेपर से आप कितने चढ़ा सकते हो, कितने नोटबुक में आप कवर चढ़ा सकते हो बताओ, ये बताओ। सो 2 मैथमेटिक्स बुक्स कैन बी कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर। ओके स्टूडेंट्स, 2 न्यूज़पेपर से आप 2 बुक में ही आप कवर चढ़ा सकते हो। ओके सो आंसर क्या आएगा, 2 बुक। ओके सो मैंने आपको बताया, सो लिख लेना है क्वेश्चन 3 करके। सो यहाँ पे क्वेश्चन 2 कर लिया एंड क्वेश्चन यहाँ पे 1। ओके सो नेक्स्ट, ट्राई कवरिंग यू मैथमेटिक्स बुक विथ हाफ अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे क्या बताया है कि से यानी हाफ पेपर हाफ न्यूज़पेपर से हमें मैथमेटिक्स की बुक में हमें कवर चढ़ाना है। ओके सो ये हम कैसे करेंगे, चलो मैं ये भी आपको बताती हूँ। देखो आंसर क्या आएगा, यस ये हम कर सकते हैं क्योंकि हाफ छोटी वाली बुक में हम चढ़ा सकते हैं। ओके आई कैन कवर माय बुक विथ अ स्मॉलर शीट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, कैन यू कवर योर बुक विथ अ स्मॉलर शीट। सो अब आपको छोटा न्यूज़पेपर से आप अपनी नोटबुक में आप चढ़ा सकते हो कवर, यस। तो आप मुझे बताना कैसे चढ़ाते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल न्यूज़पेपर से आप अपनी नोटबुक में आप नहीं चढ़ा सकते। ओके सो आंसर नो आएगा। ओके सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे।